हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक बहुत अच्छे दिन के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अभी बाहर बहुत खराब मौसम है, बिकॉज ना लगातार 2-3 दिन से हमारे पोरबंदर में बारिश ही हो रही है। तो देखिए आज भी बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। सवेरे सवेरे से ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं एंड वेदर भी बहुत ज़्यादा ही खराब है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बारिश बाहर हो रही है। और अभी सवेरे सवेरे का टाइम है तो हिमल सो रहे हैं, इसलिए अंदर मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 8:05 हुई है। तो फिलहाल अभी मुझे ना माता रानी के टेंपल पे भी जाना है, हमारी कुलदेवी माँ के टेंपल पे। बट इस बारिश की वजह से किस तरह से जाएंगे ना वो सोचेंगे, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो चलिए चलते हैं टेरेस पे और देखते हैं कि क्या मौसम का हाल है। तो गाइस अभी फाइनली आ गए हैं हम लोग टेरेस पे और देखिए बादल किस तरह से लगे हुए हैं, पूरे काले काले बादल ही है ऊपर देखिए, और बहुत ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है। सवेरे सवेरे ही लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टब भी पूरा भर गया है, बिकॉज 2-3 दिन से इसी तरह से बारिश हो रही है। एक तरफ सब फेस्टिवल्स है और शादियां है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है। अब देखते हैं, मुझे आज जाना था मेरी कुलदेवी माँ के टेंपल पे, तो अब सोच रही हूँ कि किस तरह से मेरी कुलदेवी माँ के टेंपल पे हम लोग जाएंगे, बिकॉज जोरदार बारिश आ रही है, सवेरे ही आ रही है इतनी ज्यादा तेज बारिश। तो अब किस तरह से हम लोग वहाँ पे जाएंगे ना वो देखते हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग थोड़ी देर में रेडी होंगे एंड रेडी होने के बाद जाने वाले हैं। 9:30 का हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि इस बारिश भरे मौसम में किस तरह से हम हमारी कुलदेवी के टेंपल तक पहुंचते हैं। तो चलिए अब फिलहाल चलती हूँ नीचे और हो जाती हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस अभी बारिश तो रुक गई है, देखिए हुए है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है। सवेरे जाना था कुलदेवी माँ के टेंपल पे, वहां पे भी नहीं जा पाई, बिकॉज सवेरे से इतनी बारिश है ना कि क्या ही बात बताऊं। कब जाके बारिश रुकी है देखिए, 12:05 बाकी है, अब जाके बारिश रुकी है। तो फाइनली अभी हम लोग इस समय पे नहीं जाएंगे कुलदेवी माँ के टेंपल में, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। हम लोग या तो सवेरे जाते हैं या तो फिर शाम के टाइम पे जाते हैं। अब देखते हैं शाम के टाइम पे जाना तो टाइम मिलेगा तो जाएंगे, बिकॉज अभी हम लोगों को ना एक वेडिंग अटेंड करने जाना है फैमिली के साथ। तो अभी आज भी हम लोग जा रहे हैं वेडिंग में, अभी 2 बजे तो हम लोगों को वहां पे जाना है। अब वहां से जल्दी आ जाएंगे तो जाएंगे, वरना सवेरे का टाइम बेस्ट होता है कुलदेवी माँ के टेंपल पे या कहीं पे भी जाने के लिए, वरना कल सुबह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल कुछ काम तो है नहीं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम है वो फिनिश कर लेती हूँ और फिर रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद आप लोगों को मिलती हूँ, बिकॉज आज भी हम लोग जा रहे हैं वेडिंग में। सो हे गाइस, फाइनली हो गई हूँ मैं रेडी देखिए, और अभी बज गए हैं दोपहर के 2:10 बाकी है, और आज भी हम लोग जा रहे हैं वेडिंग में। कल तो लंच था बट आज ना वेडिंग है। तो हिमल आप रेडी है ना वेडिंग में जाने का? तो फाइनली वेडिंग में जाना है हम लोगों को, कल तो सिर्फ लंच ही था। हाँ, कल वहाँ पे सिर्फ लंच करने के लिए ही जाना था, बट आज तो वहाँ पे वेडिंग है। तो आज सब लोग वहाँ पे पहुँच गए ना घर से? तो हाँ निकल गए, अभी फोन आया ना मुझे कोमल भाभी का, आया किसका? हाँ, तो अभी अभी फोन आया, वो लोग भी निकल गए हैं, तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेट हो गया है या हम टाइम पे ही है? नहीं, टाइम पे, कोई टाइम पे ही है ना, बारिश शुरू थी ना। हाँ, सुबह से आज भी बारिश स्टार्ट है और आज तो फिलहाल हम लोग टाइम पे ही है, आज लेट नहीं हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Yes.
could you love her? A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. क्या लेके आए हो? बस इतना सा ही, अभी सभी लोग हैं यहाँ पे, देखो. देखिए सब लोग बाहर भी आ गए हैं, बिकॉज सबको लेट हो रहा है, बाहर जाना है. हिमांगी बहन को भी जाना है, कोमल भाभी को भी बाहर जाना है, और एमल को जाना है, इसलिए हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं उसके साथ. हम अकेले तो नहीं बैठेंगे. पीयूष भाई का वेट कर रहे हैं, कोमल भाभी को छोड़ के चले गए पता नहीं कहाँ पे. देखो बच्चों को मजा है. ईशान पार्क जाना है ना घर पे. देखो दीपक भाई क्या कर रहे हैं. मावा वो तो पहले रहता है. ईशान पार्क जाना है घर पे कि रुकना है? जाना है ना, थक गए हैं इतने दिन से वेडिंग में जा जाके. तो मजा आ गया, दो तीन मजा आ गया ना. तो अब स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? मैं नहीं गया था. नहीं गया था, तुम गए थे? ओ दोनों नहीं गए थे भाई. आ गए कोमल भाभी को ले जाने के लिए. छोड़ के चले गए थे. गाइस बाय बाय, चलिए बाय बाय. हे गाइस, फाइनली पहुंच गई हूँ घर पे वेडिंग में से. जैसा कि मैंने आप लोगों को वहीं पे बताया कि आज सबको काम था थोड़ा बहुत. कल हम दो वेडिंग में गए थे ना, तो सब लोग थक गए थे, रात को भी वहां पे लेट हो गया था, और फिर घर पे काम भी इतना रहता है. तो अभी बाहर भी जाना था, हेमल को भी बाहर जाना था, मार्केट का कुछ काम था, तो वो तो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले भी गए. तो फिलहाल चलिए अब आप लोगों को भी मैं बाद में मिलती हूँ. अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वेडिंग में से आते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ज्यादातर मैं अंदर वहां पे व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज्यादा वहां पे नॉइज था, शोर शराबा था, और म्यूजिक वगैरह स्टार्ट थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे वहां पे व्लॉगिंग करना, इसलिए मैंने ज्यादातर अंदर व्लॉगिंग किया ही नहीं. तो चलिए अब आप लोगों को बाद में मिलती हूँ, थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ. फाइनली वेडिंग में से आके तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर गई थी, और रेस्ट करने के बाद मैंने मेरा जो कुछ भी काम था वो सब कंप्लीट किया, फिर पूजा की और सीधा चली गई नीचे किचन में रात का डिनर बनाने के लिए. तो फिलहाल अभी डिनर भी मेरा रेडी है, देखिए डिनर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है. और आज मैंने बनाया है राइस, बिरयानी टाइप राइस घर पे ही बना दिया है सब लोगों के लिए. तो अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं डिनर, तो चलिए पहले डिनर कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. हे गाइस, तो फाइनली हमारा डिनर भी कंप्लीट हो गया है. जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने डिनर में सिंपल ही बना दिया था, और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है. तो फिलहाल अभी मैं आज का लोग यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज आज बाहर बहुत ज्यादा बारिश है, तो शाम के टाइम पे हम लोग कहीं नहीं गए, और वैसे भी सवेरे से इतना ज्यादा बिजी थे ना कि सवेरे माता रानी के टेम्पल पे जाना था, बट वो भी नहीं जा पाए. अब देखते हैं कल जाएंगे. और गए थे वेडिंग में, तो वेडिंग में से भी जल्दी जल्दी आ गए, क्योंकि डेली वेडिंग में जाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो चलिए गाइस, फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए. तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. वापस लेके आए, लाओ लाओ थोड़ा थोड़ा, बस बस बस.